हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन हमें आ, हमने दो डाइलेक्ट्रिक एक मेटल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या मेटल और कंडक्टर और फ्री स्पेस इस आ, इस केसेस में डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशंस पढ़ी थी सिमिलर प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो फॉलोअप करेंगे और यहाँ पे हमारे पास दो गिवन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम यहाँ पे होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक जो है वो ट्रीट करेंगे तो अगर हमारा मटेरियल वन जिसकी की परमेबिलिटी म्यू वन है और मटेरियल टू जिसकी की परमेबिलिटी म्यू टू है अगर ये एक कॉमन बाउंड्री अगर शेयर करते हैं तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल uh, करने पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कंडीशंस uh, को फॉलो करेगा वो आज हम पढ़ते हैं ठीक है यहाँ पे आपको जब मटेरियल वन और मटेरियल टू स्पेसिफाई किया जाता है तो कई बार आपको रिलेटिव परमिबिलिटी दी जाती है अगर आपको म्यू आर दिया गया है ओके म्यू आर वन अगर आपको दिया जाए तो आप म्यू वन कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी म्यू आर वन म्यू ज़ीरो और अगर आपको म्यू वन दिया गया है तो ये इसकी कंप्लीट आप परमेबिलिटी की जगह इसको रखेंगे और अगर रिलेटिव परमेबिलिटी दी गई है तो आप इसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके म्यू वन कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स जनरली कैलकुलेशन करते वक्त जिसमें वो गलती कर सकते हैं वो म्यू वन और म्यू आर वन का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इससे आपके जो कैलकुलेटेड आंसर है उसमें चेंज आ सकता है एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दूसरा फिर जिस तरह से हमने बाउंड्री कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ी है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आज का वीडियो देखने के लिए और उसे समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर से रेफर करें जिसमें हमने बाउंड्री कंडीशंस को डिटेल में डिस्कस किया है फ़ॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके तो उसी तरीके से उसी कंटिन्यूटी में पहले हम अगर नॉर्मल कंपोनेंट को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हम एक सॉलिड स्ट्रक्चर इमेजिन करेंगे जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस है ओके okay? तो यहाँ पे हमने जो लिखा मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या था क्लोज एंड क्लोज एरिया में ठीक है बी डॉट डी एस एज ज़ीरो हमने ये कंक्लूजन निकाला था मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ते वक्त अगर बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरोस में तो बी डॉट डी एस यहां पर क्या है आप यहां पे लिखेंगे बी एन टू यह आपका एंटर करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा s माइनस बी एन वन डेल्टा एस ये आपका टोटल फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स एंटरिंग द क्लोज सरफेस और टोटल फ्लक्स लीविंग द क्लोज सर्फिस अगर आप इस लेंथ को बिल्कुल टूवर्ड्स जीरो कंसिडर करेंगे तो फ्लक्स एंटरिंग इन द सर्फिस एज वेल एज फ्लक्स लिविंग इन द सर्फिस विल बी लाइक दिस और इस कंडीशन में आपका बी एन टू विल बी बी एन वन नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का जो है वो आपका सेम रहता है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में मूव करता है ठीक है बी एन टू विल बी इक्वल्स टू बी एन वन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एच सॉरी म्यू वन एच एन वन विल इक्वल्स टू म्यू टू एच एन टू ओके आपका जो नॉर्मल कंपोनेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है वो कंटिन्यूटी में मूव uh, करेगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट्स है वो म्यू वन बाय म्यू टू की रेशियो में चेंज हो के सेकेंड मीडियम में तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एच एन वन अपॉन एच एन टू विल बी म्यू टू अपॉन म्यू वन अगर रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखी है तब तो भी आप इसे म्यू आर टू अपॉन सॉरी म्यू आर टू अपॉन म्यू आर वन भी लिख सकते हैं कि म्यू नॉट से म्यू नॉट आप इसे कैंसिल किया हुआ ट्रीट कर सकते हैं तो ये हो गया आपका नॉर्मल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अब हम इस क्लोज पाथ को कंसिडर uh, करते हैं सेकेंड कंडीशन uh, को कैलकुलेट uh, करने के लिए अगर हम इस क्लोज एरिया में लाइन uh, इंटीग्रेशन करें तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है क्लोज पाथ के लिए एच डॉट डीएल विल बी आई ओके यहाँ पे जो हमें पैरामीटर गिवन होता है वो हमें करंट ना मेंशन करके जब आपको बाउंड्री कंडीशंस में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपका मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसमिशन अगर आपको केस दिया जाता है तो उसमें आप करंट डेंसिटी आपको दी जाती है करंट डेंसिटी आपको के मेंशन की जाती है दैट इज़ एम्पियर पर मीटर अगर इस तरह से आपको आ, एक पैरामीटर गिवन है टोटल करंट की जगह आपको करंट पर लेंथ अगर आपको गिवन है तो आप इसे कैसे लिखेंगे इसे आप लिख सकते हैं एच टी वन डेल्टा एल माइनस एच टी टू डेल्टा एल अगर आप अगर आप इस डेल्टा डी टेंस टू जीरो इस हाइट uh, को या डेल्टा एच लिखा हुआ है कुछ टेक्स्ट बुक्स में डेल्टा एच टेंस टू जीरो इफ यू आर मेकिंग दिस डेल्टा एच टेंस टू जीरो और आप केवल इस बाउंड्री के पास दोनों को एच टी वन और एच टी टू कैलकुलेट करें तो क्लोज जो आपका पाथ uh, पे लाइन इंटीग्रेशन है एच टी वन ये आपका टेंजेंशियल uh, कंपोनेंट uh, है एच टी वन डेल्टा एल माइनस एच टी टू डेल्टा एल विल बी ये जो आपका टोटल करंट है इस सेक्शन में टोटल करंट कितनी होगी अगर के करंट डेंसिटी है तो के डेल्टा एल तो यहाँ पे आप लिखेंगे हीट वन माइनस हीट टू विल बी के न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे रहेगी लेकिन अगर आप हीट वन माइनस हीट टू को वेक्टर फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा के क्रॉस एन वन टू मीडियम वन से टू में जब आप मूव कर रहे हैं तो नॉर्मल आपका जो यूनिट फैक्टर है वन से टू की तरफ एंटर करते वक्त उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में आपका एच टी वन माइनस एच टी टू रहेगा ओके okay? तो ये आपका सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हो गई है फॉर द केस ऑफ टू मैग्नेटिक मटीरियल दैट वी आर कंसिडरिंग होमोजीनियस एज वेल एज आइसोट्रोपिक तो पहली आपकी बाउंड्री कंडीशन हो गई है ये और सेकेंड जो आपकी बाउंड्री कंडीशन होगी जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स को को रिलेट करती है वो हो गई आपके ये तो यहाँ आपको आप ध्यान रखना है कि एच टी वन जो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट मीडियम वन में है और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका मीडियम टू में है उनका डिफरेंस करंट डेंसिटी और यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में होगा जनरली जो हमारी करंट है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी uh, है तो उस एक वेक्टर क्वांटिटी और दूसरे वेक्टर क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज़ इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे ये यह हुई आपकी समरी कि अगर आप एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से उसके टेंजेंशियल और उसके नॉर्मल कंपोनेंट्स जो है वो चेंज होंगे तो इस सब को हम एक एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम से भी समराइज़ कर लें ताकि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस पे नूमेरिकल क्या बनेगा किस किस तरीके से प्रॉब्लम्स बन सकती है वो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स में बहुत क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम मूव करते हैं या जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ज़्यादा जो आपका फोकस है वो आपका नूमेरिकल प्रैक्टिस पे रहना चाहिए कॉन्सेप्ट आपको आपकी exam, as well as आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल एज आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे हम अपना एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं वॉट डज इट से गिवन दैट म्यू वन इक्वल्स टू फोर माइक्रो हेनरी पर मीटर इन रीजन वन वे आर जेड इज ग्रेटर देन जीरो वाइल म्यू टू इक्वल्स टू सेवन माइक्रो हेनरी पर मीटर फॉर जेड इज लेस देन जीरो लेट के इक्वल्स टू एट्टी ए एक्स एम्पियर पर मीटर ऑन द सर्फेस जेड इक्वल्स टू जीरो इफ़ बी वन इक्वल्स टू टू ए एक्स माइनस थ्री ए वाई प्लस ए जेड मिली टे टेस्ला कैलकुलेट बी एन वन एच एन वन बी टी वन एच टी वन बी एन टू एच एच एन वन बी टी टू एच टी टू और इनसे आप कैलकुलेट कीजिए बी टू ठीक है बी वन आपको गिवन था इन सारे कंपोनेंट्स को मैंने ही एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दिए हैं ताकि इनको कैलकुलेट करना हम सीख लें ऑब्जेक्टिव में अगर हमसे ये छोटे छोटे ऑप्शन पूछे जाए तो हम इन्हें भी फाइंड आउट कर सकें okay. तो मेन ऑब्जेक्ट था कि बी वन आपको गिवन है और आप बी टू कैलकुलेट कीजिए तो यहां पे आप गिवन रीजन को ड्रॉ कीजिए आपको यह कहा गया है कि z इक्वल्स टू इस तरह से आपका अगर आप ड्रॉ करते हैं आपको यह कहा गया है कि z इज ग्रेटर देन पे आपका वन है आपका वन मटीरियल यहां पे है जो कि है आपका फोर माइक्रो हेनरी पर मीटर ओके और म्यू टू जो है वो जेड इज लेस देन जीरो तो ये वाला जो रीजन है वो आपका सेकेंड मटेरियल है जिसका म्यू टू इक्वल्स टू सेवन माइक्रो हैनरी पर मीटर है ओके और यहाँ पे इस बाउंड्री पे जेड इक्वल्स टू जीरो पे जो आपको के दे रखा है जो करंट डेंसिटी दे रखी है जब बाउंड्री कंडीशन दी होती है तो आपको करंट डेंसिटी मैंशन की हुई है ये क्या दे रखी है के इक्वल्स टू एट्टी एक्स एम्पियर पर मीटर यहाँ पे आपको ये पैरामीटर गिवन है और तो अब आप ये देखिए कि आपका जो मटेरियल वन है ये आपका मटेरियल वन है और ये आपका मटेरियल टू है तो पहला हमारा काम होगा कि हम मटेरियल वन से मटेरियल टू में एंटर हो होते वक्त नॉर्मल डायरेक्शन में मटेरियल वन से मटेरियल टू में नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें तो अगर ये आपका मटेरियल है तो आप इस डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर आप फाइंड आउट करेंगे और ए एन वन टू क्या होगा वन से टू में एंटर करते वक्त नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपका होगा आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं माइनस ए जेड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो गया आपका ए जेड पहला तो आपको ये काम पहला काम करना होगा आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर मीडियम वन से मीडियम टू के बीच में कैलकुलेट करना होगा अब आपने कैलकुलेट कर लिया आपको गिवन है बी वन इक्वल्स टू टू ए एक्स माइनस थ्री ए वाई प्लस ए जेड मिली टेस्ला ये जो बी वन है ये बी वन आपका नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट से बना है ओके इस तरह से बना है इसका एक नॉर्मल कंपोनेंट रहेगा एक टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा तो आपको बी एन वन पहले आप इसका नॉर्मल कंपोनेंट निकालिए नॉर्मल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे आप B1 को डॉट प्रोडक्ट कीजिए वन से टू की डायरेक्शन में आने के लिए जो आपका नॉर्मल वेक्टर है इस डायरेक्शन में नॉर्मल यूनिट वेक्टर से ये तो हो गई आपकी बी एन एन वन की डायरेक्ट आपका मैग्नीट्यूट आ जाएगा जब आप इसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे ठीक है एज वेल एज ए एन वन टू इससे आप वापस जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा नॉर्मल वेक्टर का और यहाँ मिल जाएगा आपको उसकी डायरेक्शन तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे बी वन के आपका टू ए एक्स माइनस थ्री ए वाई प्लस ए जेड ओके डॉट किसी भी वेक्टर को अगर उसके नॉर्मल वैक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं यूनिट वैक्टर से तो आप उसके नॉर्मल डायरेक्शन में आपका जो कॉम्पोनेंट uh, है उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ठीक है आप किसी भी वेक्टर को अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे उस वेक्टर के नॉर्मल तो आप क्या कर रहे हैं उस वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट निकाल रहे हैं ये हुआ उसका ए एन वन क्या है हमारा ए एन वन है माइनस ए जेड तो ये तो हुआ हमारा नॉर्मल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और इसे माइनस वापस ए जेड से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर जो कि है बी एन वन अगर आपका ये बी मान लेते हैं कि ये बी वन हो ओके बी वन का नॉर्मल कंपोनेंट आप कैसे निकालेंगे बी वन डॉट ए एन ओके इससे आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड और फिर आप एन इस तरह से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसका नॉर्मल uh, कंपोनेंट निकाल पाते हैं ये आपने निकाल लिया यहां पे आप जब इसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे आ जाएगा माइनस ए जेड माइनस ए ये आपका ए एक्स डॉट डॉट प्रोडक्ट है ये डॉट ए जेड विल बी जीरो माइनस ए जेड आपको मिल जाएगा ए जेड बी एन वन क्या मिल गया आपको ए जेड पहला जो हमसे पूछा गया है बी एन वन आपने निकाल लिया आपसे कहा गया है कि बी टी वन निकालें ठीक बी टी वन कैसे निकालेंगे बी वन हमने क्या लिखा बी एन वन प्लस बी टी वन नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट का सम है ऐसे ही करते थे ना एक नॉर्मल कंपोनेंट भी होगा एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा ठीक तो बी टी वन विल बी बी वन माइनस बी एन वन ओके ये जो बी वन है उसमें से आप उसका नॉर्मल कंपोनेंट हटा देंगे तो आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट मिल जाएगा तो यहां से बी टी वन क्या आएगा बी टी वन विल बी ये एड तो आपका नॉर्मल कंपोनेंट आ गया तो ये वाला जो रेस्ट ऑफ द वेक्टर है ये उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो बी टी वन आ जाएगा आपका टू ए एक्स माइनस थ्री ए वाई ओके करेक्ट मिली टेस्ला तो ये भी मिली टेस्ला यूनिट प्रॉपरली लिखते जाइए ये भी मिली टेस्ला में है ओके तो ये आ गया आपका बी टी वन ओके बी एन वन भी आ गया बी टी वन भी आ गया अब आप इससे निकाल सकते हैं एच एन वन भी निकाल सकते हैं एच एन वन कैसे निकालेंगे आप एच एन वन विल बी बी एन वन डिवाइड बाय म्यू वन ऐसे करेंगे बी बी क्या होता है बी इक्वल्स टू म्यू एच एच निकालना है तो बी डिवाइड बाय म्यू यहाँ पे म्यू जो है वो उसकी कंप्लीट परमिएबिलिटी है अगर रिलेट यहाँ पे आपको म्यू दिया गया है ओके अगर म्यू आर दी होती तो ये ध्यान रखिएगा म्यू आर म्यू नॉट से आप इसे करेक्ट कीजिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर कैलकुलेट करने के लिए आपका बी एन वन क्या है ए जेड डिवाइड बाय इसको मिली टैसला में लिखिए और म्यू वन क्या था हमारा म्यू वन था हमारा फोर माइक्रो हेनरी पर मीटर दैट गिव्स यू एच एन वन कितना जाएगा आपका एच वन आपका जाएगा. 250 आपका आ गया है एच एन वन ओके हम वन बाय वन सारे जितने भी पैरामीटर्स से उनको कैलकुलेट कर रहे हैं आपको ये एक्सप्रेशन देंगे इस एक्सप्रेशन के बाद कुछ भी पूछा जा सकता है द और द वैल्यू ऑफ एच एन वन विल बी ओके और कुछ ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको मीडियम टू में जाना ही नहीं केवल आपको मीडियम वन में ही डिफरेंट कंपोनेंट्स को सब डिवाइड करना है कि ये जो कैलकुलेट ये जो आपका गिवन मैग्नेटिक फील्ड था उसका नॉर्मल कंपोनेंट मैग और उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट इतना बड़ा यहाँ पर राइटअप right देख के आप उससे थोड़ा सा ऐसे देखेंगे कि ये टाइम कंज्यूमिंग है आप इसे बाद में अटैम्प्ट करने के लिए रिजर्व कर देंगे जबकि ये मीडियम वन से मीडियम टू नहीं केवल मीडियम वन का ही एक पैरामीटर आपसे पूछ रहा है और ये सारे पैरामीटर्स पूछ के इस तरह से अगर राइट अप में अगर प्रॉब्लम देंगे तो ये अपने आप में ट्वेंटी मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बन जाता है ओके okay? तो हमने तीसरा कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर लिया एच एन वन इसी तरीके से आप एच टी वन क्या होगा एच टी वन विल बी बी टी वन बाय वो क्या हो जाएगा आपका बी टी वन अभी आपने निकाला टू एक्स माइनस थ्री ए वाई मिली टेस्ला डिवाइड बाय फोर माइक्रो हैनरी पर मीटर इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका ये आपका आ जाना है एच टी वन विल बी फाइव हंड्रेड ए एक्स माइनस सेवन फिफ्टी ए वाई एम्पियर पर मीटर ये आ गया आपका एच टी वन ओके हमने ये कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर लिया तो मीडियम वन में मैग्नेटिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दोनों कंपोनेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं मीडियम वन के सारे कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद अब हम आते हैं मीडियम टू में ओके okay? या मटेरियल टू में आते हैं ठीक है हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन क्या थी बी एन वन इक्वल टू बी एन टू ये हमारी एक बाउंड्री कंडीशन थी एक हमारी बाउंड्री कंडीशन थी एच टी वन माइनस एच टी टू इक्वल्स टू के विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एन वन टू ओके ये हमारी दो बाउंड्री कंडीशन थी तो पहली बाउंड्री कंडीशन से हमें क्या मिल जाएगा बी एन टू विल बी इक्वल्स टू बी एन वन दैट इज बी एन वन हमने यहाँ क्या कैलकुलेट किया था बी एन वन हमारा आया था ए जेड मिली टैसला तो ये हमारा आ जाएगा ए जेड ए जेड मिली टैसला तो, तो ये हमारा आ गया है बी एन टू ये क्वांटिटी ओके okay? अगर ये हमारी क्वांटिटी आ गई है तो आप इससे एच एन टू विल बी बी एन टू डिवाइड बाय म्यू टू आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए जेड मिली टेस्ला डिवाइड बाय म्यू टू इज सेवन माइक्रो हेनरी पर मीटर दैट विल गिव यू ऑलमोस्ट वन फोर्टी टू पॉइंट एट फाइव ए जेड एमपियर पर मीटर ये आपका आ गया है एच एन टू ठीक है नॉर्मल कंपोनेंट आ गया है आपके मैग्नेटिक फील्ड का मीडियम टू में ओके okay? अब हमें सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को यूज में लेते हुए सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को यूज में लेते हुए टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है आई करेक्ट सेकेंड बाउंड्री इक्वेशन मैंने मेंशन किया है एच टी वन माइनस एच टी टू इक्वल्स टू के क्रॉस ए एन वन ओके ए एन वन टू एन वन से ए एन मीडियम वन से मीडियम टू की तरफ आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर प्लीज डू करेक्ट ओके प्लीज डू करेक्ट प्लीज डू करेक्ट दिस विल बी एच टी वन माइनस एच टी टू विल बी एन वन टू ये जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर बदलने पे सो प्लीज डू करेक्ट ये जो आपका एक्सप्रेशन है जो हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट का डिफरेंस कैलकुलेट किया था उसमें जो आपकी डायरेक्शन होगी वो ए एन वन क्रॉस के होगी प्लीज डू करेक्ट देयर इज अ करेक्शन इन द एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इन मैग्नेटिक फील्ड इस करेक्शन के बाद अगर हम एच टी वन माइनस एच टी टू निकालें एच टी वन माइनस एच टी टू क्या आपका माइनस ए जेड क्रॉस के क्या है हमारा एट्टी ए एक्स ओके यहाँ पे हमारी जो यूनिट थी वो लिख रखी थी हमने एम्पियर पर मीटर ओके आपका ए जेड क्रॉस ए एक्स जो ए वाई होता है और ये माइनस माइनस का साइन है तो ये माइनस एट्टी होता है फाइव हंड्रेड ए एक्स माइनस सेवन फिफ्टी ए वाई प्लस एटी ए वाई विल बी एच टी टू दैट गिव्स यू एच टी टू इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड ए एक्स माइनस सिक्स सेवेंटी ए वाई एमपियर पर मीटर ओके यहाँ पर जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्ल्स टू बी क्रॉस ए सो प्लीज़ डू करेक्ट ये यहाँ पर लिखने में नोटेशन में मैंने ऑर्डर चेंज uh, कर दिया है एंड दैट इज़ अ क्वाइट बिग इशू सो प्लीज़ डू करेक्ट प्लीज डू करेक्ट द सेकेंड इक्वेशन ओके ये आपका हो गया है एच टी टू उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है अगर एच टी टू आ गया है तो बी टी टू आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बी टी टू विल बी म्यू टू एच टी टू डेट विल गिव यू म्यू टू हमारे पास क्या है म्यू टू हमें दिया गया है सेवन ओके okay? सेवन माइक्रो हेनरी पर मीटर डिवाइड बाय फाइव हंड्रेड ए एक्स माइनस सिक्स सेवेंटी ए वाई एमपियर पर मीटर एंड दैट गिव्स यू बी टी टू विल बी बी टी टू आपका क्या आ जाता है थ्री पॉइंट फाइव ए एक्स माइनस फोर पॉइंट सिक्स नाइन ए वाई ओके ये आपका आ गया है बी टी टू आप जब इस बी टी टू और बी एन टू आपके पास ऑलरेडी है बी टू बी टू कैसे कैलकुलेट करेंगे मीडियम टू में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी टू विल बी बी एन टू प्लस बी टी टू दैट गिव्स यू बी एन टू क्या है आपका बी एन टू हमने यहाँ कैलकुलेट किया बी एन टू है आपका एजेड और बी टी टू है आपका ये तो बी टू आपका क्या आ जाएगा थ्री पॉइंट फाइव एक्स माइनस फोर पॉइंट सिक्स नाइन ए वाई ओके प्लस ए जेड ए जेड मिली टेस्ला ओके ये आ गया है आपका बी टू ये आपका आ गया है मीडियम टू में मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट इस तरह से अगर आप एच टू कैलकुलेट करें तो आप एच टू विल भी एच टू विल भी बी टू बाय म्यू टू और वैसे भी आपके पास एच टी टू भी है और आपके पास एच टी वन भी सॉरी एच एन टू भी है आप इसको ऐड करके सीधा एच टू भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस स्टेटमेंट के साथ कितनी तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एज वेल एज एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बन सकता है आप उनके छोटे छोटे सभी सेक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि एक आप अच्छा स्कोर कर सकें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में आई होप मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन और उस पर किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगी ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा की लर्निंग कीप वॉचिंग थैंक यू